so lucky. 나 견딜 수 말해봐. 힘이 와 가을을 밝히마저 해. जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं एक और सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में कलीम वी लॉग डे के साथ हाज़िर हूँ। जी तो मैं आज पहुँचा हूँ पाकिस्तान पंजाब के एक बहुत ही खूबसूरत और छोटे से शहर कलर कहार में, और आपको यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाता हूँ। और ये एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है, और यहाँ पर मौजूद है तख्त बाबरी। कहा जाता है मुग़ल सल्तनत के बानी ज़ैनुद्दीन बाबर ने कलर कहार को उस वक्त दरियाफ्त किया जब वो अपनी फ़ौजों के साथ सन 1519 ईस्वी में फतह की तलाश में काबुल से दिल्ली जाते हुए झील के करीब से गुजर रहा था। उन्होंने कलर कहार में क़याम किया और वहां कैंप लगाया। वो इस जगह की खूबसूरती से मुतासर हुआ, ख़ास तौर पर कलर कहार झील जो कुदरती चश्मों से भरी हुई थी। झील के करीब ज़ैनुद्दीन बाबर ने यहाँ पहले मुग़ल बाग की बुनियाद रखी, जिसे इसने बाग सफ़ा कहा। बाग के वस्त में इसकी फ़ौज के जवानों ने इसके लिए पत्थर की चट्टान को तराश कर एक तख्त बनाया, जहाँ वो अपनी फ़ौज से खिताब करता था, जिसे तख्त बाबरी कहा जाता है। इस अमवार तख्त पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गईं। इसने तकरीबन एक माह वहाँ क़याम किया और अपने इर्द गिर्द के मनाजर को लुत्फ उठाया। इस बाग के मशहूर मोर आज कल आज़ादाना तौर पर चलते हुए देखे जा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करना है, और बहुत ही प्यारा सा एक कमेंट आपने देना है, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।